कोई गल नहीं देखो मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पापा बात करना मुद्दे काफी सारे हैं जिन पापा बात करना चाह और समय इस टाइप का है कि आपको समय दिया था तीन बजे का और हम पिछली जो मीटिंग जून उनकी वजह से टाइम पे नहीं पहुंच पाए उसके लिए एक तो आप सब से जोड़ के माफी भी मांगते हैं और दूसरा अगर हमारी आज की इस चर्चा से आपको यह लगता है कि भाई ये बाड़क ठीक रास्ते पर हैं तो फिर आप लोग अपना आशीर्वाद दोगे ऐसी भी उम्मीद है कई बार जब आदमी आपके पास आता है मैं जब सात साल पहले 2016 में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करके जब चलिया तो किसी को यकीन नहीं था कि कोई मानस सीसा भी हो उसका है जो अपना सब कुछ बर्बाद करके कर गाम राम में उल्टा जावा अंदा हो मैं आपने थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में मैं सरकारी मास्टर था और 2011 में मैंने नौकरी छोड़ दी थी 12 में जब मैंने ये पता चला कि मेरे स्कूल और मेरा गांव बर्बाद होने वाला है और उसमें मैं खुद उसको बर्बाद करने में हिस्सा बनूंगा क्योंकि सरकार मेरे ऊपर इस टाइप का प्रेशर बना रही थी और मेरे ऊपर नहीं सारे टीचर्स के ऊपर और जब मैंने अपने साथी टीचर्स को ये समझाया कि ये रास्ता गलत है और सरकार ऐसे तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी तो मेरे साथी टीचर्स ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि फिर तू एक के कर लेगा और हम के कर सका हाँ क्योंकि टीचर्स यूनियन में भी मतलब अध्यापकों के अंदर भी इतनी यूनियन बना दी उन्हें मास्टर है रेलवे की भी है बैंक वाला की भी गणी है एल आईसी वाला की भी गणी है, है आंगनबाड़ी वर्करों की भी गणी आशा वर्कर की यानी जुड़सा मैं एक की देखोगे उससे में दस पंद्रह बीस पच्चीस यूनियन है तो मास्टर भी कंफ्यूज थे कित जावा सरकार ते भी कह और अपने साथियों ते भी कहा भाई मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से मैं तीन साल की उम्र के बालक ने न्यू बताश कूं पढ़ के कि वो बालक इसे इसे काम करने खातर बन रहा है जोकर मां बाप के सामने गांव में सबसे बड़ी समस्या के है कि मां बाप न्यूए नहीं कर समझ पांदे कि इस बालक का करवावा के है ना आप बढ़िया स्कूल में दाखिल करवाओ आप न्यू सोच कि मैं पढ़ लिख जा पढ़ लिख के वो जावे कित किसे नौकरी टोन खातर और नौकरी टो के बने के कमे भी नहीं आप अपने गांव का हिसाब किताब ला लो जितने बालक पढ़ रहे हैं तड़के तले लेके सांझ तई जो आप रुपया खराब करो हो इस गांव की कितनी वोट होंगी साढ़े पांच हजार मन ने साढ़े चार हजार वोटा की गांव पे एक रिसर्च कराया था मैं हर घर में गया घर घर जा कि मैंने न्यू बुझ जा थारा बालक कित पड्डा है कितने पीछे खर्च करो हो कित ट्यूशन पे कि क्या हो बस में जाओ कार में जाओ हो क्या में जाओ हो मैंने वो सारा कुछ पूछा उन पर घराड़ा पे, पे. ट्रैक्टर है कि नहीं है कार है कितना पीसा पेट्रोल पे खर्च करो कितना बीमारी पे खर्च करो कितना डांगरा पे खर्च करो अनाज कितना लाग गया साल में दाल कितनी ला वो सारा हिसाब किताब मैंने करके देखा तो एक हिसाब जो सबसे बड़ा मैंने नजर आया इसके अंदर पैतालीस सौ जिस गांव की जनसंख्या है वोट नहीं जनसंख्या जनसंख्या तो जगह छह हजार वोट है तो आपकी जनसंख्या होगी लगभग बग लगभग नौ हजार के करीब तो जब मैं वो कैलकुलेशन किया तो पता चला कि तेरह सो बच्चा उस गांव में पढ़ने खातर बाहर जावा है उस गांव की बता रहा हूं आपके गांव में ज्यादा पाओगा यू आंकड़ा फालतू पाओगा आपके गांव में पाओगे दो हजार के आसपास लेकिन मैं तेरह सौ पैमान के चला तो साल महीने का तिरपन लाख रुपया पांच स्कूल के मालिका की जेब में जाओ था तो साल का लगभग लगभग छह करोड़ रुपया था जो सबता गांव बटड़ा और उन छह स्कूल के मालिका तक पूजन लाग रहा था मैंने गांव के मौजिद से आदमी बुला की एक बात पूछा कि ये जो छ करोड़ रुपया है इसके बदले में मान लो पिछले पांच साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिया तो पांच साल में तमने तीस एक लाख तीसे करोड़ रुपया खर्च कर लिया होगा सब्ते गांव ने 30 करोड़ रुपया ने थारे बालक का तो के मिला कितने बालकन रोजगार मिला और कितने बालक बढ़िया रहे तो सब्ते गांव में पांच साल का पांच बालक का भी रिकॉर्ड कौन था समझे आपका गांव में यो आंकड़ा 40 40-50 करोड़ बनेगा पिछले पांच साल का जिस हिसाब की जनसंख्या है आपकी 40-50 करोड़ रुपया पांच छह स्कूल के मालिका तक पूज के आपका भी तो यही होगा ना बालक बार पटन जानते होंगे बस हम बैठ बैठ जानते होंगे बहनाम जानते होंगे तो पिछले पांच साल में आप अपने गांव का हिसाब ला लो जो चालीस पचास करोड़ रुपया पूज लिया उसमें क्या हासिल होया मेरे ख्याल तो कुछ भी नहीं क्यों जी ऐसा ही होगा आ ना के मैं तो बरो ऐसा है ना रुपया था मैंने गांव तक एक बात कही भाई देखो जो नेता होगा वो न्यू कहेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी जब आपके बीच आएगा या कोई दूसरा अपना मतलब साधन वाला कोई आदमी अब दो ढा के आदमी आओगे आप दो, आप दो शिक्षा पे बात करनी है पहला आदमी आओ मास्टर ओ, नेता है नेताजी आपको कहेंगे कि मैं शिक्षा का लेवल सुधार दूंगा और थारा गांव का स्कूल उन्हें न्यू कर दूंगा रि न्यू कर दूंगा आज थी तो कर नहीं पाया कोई भी क्यों जी और दूसरा ढाड़ का आदमी कौन सा पाओगा जुड़ सा न्यू कहेगा अग भाई तारे बालक थारे बालक पढ़ाई पढ़ुई को नहीं ना तो यू पढ़ादा ना यू पढ़ा तब मेरे कोचिंग सेंटर में भेजो मैं पढ़ाऊंगा और थारे का नाकामयाब बनाऊंगा यो या होगा शिक्षा पे बात करनी को दूसरा मानस आवे नहीं मैं जब कराया करता जब मैंने नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़ने के बाद मैं चला गया चंडीगढ़ करनाल छोड़ दिया मैंने और मैं चंडीगढ़ चला गया चंडीगढ़ जा के अपना एक कोचिंग सेंटर खोला जिसमें मैं बालक ने पहचान के और उसने तैयार कर, कर कर के माँ बाप ते दिया करता मैंने कदे कर भी ओशार बालक नहीं पढ़ाया मैं वो बालक पढ़ाया करता जिसने माँ बाप न्यू कह देना कि वो किस काम का नहीं कति नखद है वो दे दो मेरे ती फिर मैं एक साल में उन्हें हीरा बना के उल्टा दिया करता अब मेरे द्वारा लागी लाइन लंबी लागन अब भाई माँ बाप तो चावे है कि जो कति जीरो ने भी जो सौ नंबर पर ले जाओ तो किसी ने भी लेके जा सके फिर यो मास्टर और मैं मुंह मांगे रेट मांगे करता सही बताऊं देखो जी झूठ नहीं बोलता मेरे से मिलने के लिए दो दो साल की एडवांस बुकिंग होया करती अपॉइंटमेंट की मिलने का मैं पैसा लिया करता जो मेरी अपॉइंटमेंट की फीस है वह डेढ़ लाख रुपए थी और बालक ने दो महीने में तैयार करके दिया करता दो महीने की फीस मेरी एक बालक की पाँच लाख रुपए थी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं अपने जिंदगी में मान लो साल के सौ दो सौ बालक तैयार कर भी दऊँगा और साल का पाँच दस करोड़ रुपया अगर कमा भी लेंगे उसके बाद पूरी जिंदगी में मैं जो बालक तैयार करूंगा उनका समाज के ऊपर तो कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं समाज से तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं बाप देखो आपके बालक पढ़े लिखे और वो चले गए शहर में उल्टा गांव थी आज थी किसी ने दिया ही नहीं होगा आपके गांव का कोई डीएसपी लाग रहा हो आपके गांव का कोई डीसी लाग रहा हो उल्टा गांव ने क्या है वो कुछ नहीं, नहीं देता अब जब वो कुछ देता नहीं तो क्यों नहीं देता हो क्योंकि जब वो त्यार हो लाग रहा था ना उस टाइम गांव ने उस उसके बारे में कुछ कर था बचपन से लेके बड्डे होने तक जो उसके मां बाप ने उसने न्यू बताया भाई मैं तेरी खातर कटन लाग रहा हूं मैं तेरे घर लाग रहा है और तू मेहनत करने लाग रहा है तो सारी मेहनत या तो मां बाबू कर रहे हैं या वो बालक कर रहा है तो जब वो बड्डा होगा तो बड्डा हो उसने न्यू बेरा है कि मैं जो कुछ भी हूं मेरी मेहनत के दम पे हूं मेरे गांव ने जब मेरा मैं किरा नहीं तो मैं गांव का क्यों करूं गांव का ठेका लिया मैंने फिर क्यों जी तो मेरे यो आइडिया समझ में आया कि जो हमारा समाज टूटने का जो कारण है वो दो तीन कारण है एक तो जो ये पूंजीपति लोग हैं जो मेरा जो क्लाइंट था देखो जी दो महीने का पांच लाख रुपया गांव का आदमी गांव में तो एक या दो जमींदार बड्डे होंगे वे देश के हैं सारे नहीं दे सकते लेकिन मेरा कर्जा पाट्या कद मेरा कर्जा उस दिन पाटिया जी जिस दिन एक फैक्ट्री में काम करनी है मानस जिसकी तनख्वाह दस हजार रुपये जो मृति न्यू बोला मैं मन ने मृति पचास हजार रुपये देगा सरू में न्यू बोला जी पढ़ाऊंगा तो आप दोरा पढ़ाऊंगा अपने बालक ने मन उसका बालक छाट भी लिया मन पीछे ले भी लिए दूसरी मीटिंग में जब वो आया ना तो जब वो जान ला तो साइकिल पर जा था वो अब मेरे दोरा जो मानस आया करते हुए तो लाल बत्तिया में बड्डी बड्डी गाड़िया में कितने पीछे तो वो फेंकेगा जिस पर रुपया गणाय हो तो मन ने उससे बूझ तो लिया सुशील नाम था उसका मैंने कहा सुशील जी क्या करते हो आप बोला जी मैं फैक्ट्री में काम करू मैं कितनी तनख्वाह है बोला जी कट कटा के मैंने आठ कदे दस न्यू मिला कर है तू मेरी इतनी फीस कितने देगा नो बोला जी मेरा एक पैंसठ गज का प्लाट है पचहत्तर का बताया पैंसठ का दो हजार पंद्रह की बात है सोलह की बोला जो वो प्लाट है मैं उन्हें बेच के उसका मैंने बयाना दे दिया है जी ले लिया है और मैं उसकी रजिस्ट्री करवा के जो पैसा होगा वो आपती दे दूंगा मेरा मतलब मेरा भितर पाठ किया कि आदमी अपनी औलाद के लिए किसी भी लेवल पर जाने तैयार है सारी जिंदगी की पूंजी कमाई और अपना घर भी बेच कर जब अपने बालक ने पढ़ा के तो मेरे नहीं समझ में आएगी ये बालक जब मान ले लें सोमत सो नंबर ले भी लेगा तो जिंदगी में क्या करेगा जिंदगी में तो कुछ भी नहीं करे क्योंकि सोमत सौ सो नंबर लेनी है आपके गांव में खाली हुए फिर है कम एक भी नहीं करनी है जो कती होशार होया करते जमा छकमा वहां गांव में गट्टे बढ़ाते फटन लग रहे तो मेरे यो समझ माया मगर जी मन ने उसके जो उनसे पीछे ले रखे थे वो उसके उल्टे दिए आज जोड़ा उसका आगे और मन ने सोचा बस तू गलत काम करने लाग रहा है तन तो यहाँ जो आदमी जो दे नहीं सकते ना असली जो देश की पूंजी है वो गांव में है तो उस गांव के आदमी द्वारा मुन्े जाना पड़ेगा गांव तो इन्हें बताना पड़ेगा तम ही अपने बालका की जिंदगी अपने हाथा बर्बाद लाग रहे करण इन प्राइवेट लोगों के हाथा में दे देगा ना आशिल क में होगा नहीं रिजल्ट जीरो आओगे अब गांव के आदमी का मेरे द्वारा मेरे मेरी फीस देने का सार्या का फायदा नहीं मतलब गुंजाइश नहीं तो मैंने फिर अपना काम इस तरीके से राख्या कि के मैं केवल उतना ही काम करूंगा जितना मेरे घर चाहिए मैंने साइलेंट करियो फोन और उसके बाद मैं पच्चीस दिन मैंने गामा में लाने शुरू करे और पांच दिन मैं अपने परिवार के लिए कर और मैं पच्चीस दिन गांव के लिए तो मैं शुरू में जब गामा में लकड़ा जो आपने कहो थे ना कि जी इंटरेस्ट खराब हो रहा है सागमान साहब लोगों का लोग रुचि बात उन्हें के काम की है आप एक काम कि का एक राम उठ का आंदा नहीं उसका कारण क्या है कि जितने भी पॉलिटिशियन आज से पहले आए या जितने भी हुए खेती पर काम करना आए हैं बात करना आए हैं और बेच का अपनी दवाई चले जाए हैं है जी परिवार पर बात करना आए और बेच के भी में चले जावे हैं आवे बात करें तो दूसरी बात ना फिर फिर वोटा में खरीद के बेच के चले जावा हैं मतलब जितने भी आदमी आपके पास आए आपका रिश्तेदार आया अल्लाह मेंबर बन जा पाँच हजार रुपया हम तेनाली तीन और बनाने तेरे उल्टे आ जाओगे घने अगर रुपये न्यू चलेंदे तो इस ये सारे काम अपने जानकारी रिश्तेदारी में ते होंगे तो सब ने अपना रिश्तेदार जानकारी इतना ठग लिया कि ये भरोसा रहा नहीं किसी नए मानस के बारे में तो इसलिए हमने नहीं सोचा कोई बात नहीं मैं नया नया जानता गाँव में चौपाड़ में बैठे लोग बुढ़े बैठे पांदे मैं कहता बात सुन लियो दो चार थारे बालक के बारे में बात करूंगा आने वाले टाइम में थारे बालक का क्या हाल होने तो बुढ्ढे कहते भाई तू न बेचण के आया सीधा मैं उस दी कऊ मैं बेचण नहीं आया मेरे जोड़े में कागज़ है बस और किमें नहीं है नहीं जी यकीन नहीं करें फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी फिर मैंने गांव वाले बैठाने शुरू करे गांव वाले बैठाने शुरू करे तो 2018 की बात बताऊं मैं अठारह की उन्नीस की एक गांव में मैंने पूरी सभा करी तो उसमें दो तीन हजार आ आगे और पड़ोस के भी गांव आ गए कई गांव में मैंने काम करा था तो मैं सारे मैंने कि सारे समझाए मूर न्यू करके बात है भाई थारे बाढ़ हैं थारे बाढ़क बर्बाद होने रहे जब तमे नहीं कुछ करोगे तो नेता नेर बिजनेस मैन ने ठेका ले रखा है तारे बाड़का के बारे में तो तम नहीं करना पड़ेगा ना और तमने बेरा नहीं के करना है तो तम ही मना अपने बालक दे दो मैं सिखा दूंगा और अपने गांव ने समार लो तो मन हुआ जो सभा करी उड़े हुए जो पोलिटिशियन थे उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकनी शुरू होगी उनने कलकी मारनी शुरू कर दी और इलेक्शन लड़ाई तो जाँच कर रहा है गांव में अगली बार किसी गांव में गया हूं बोला और फलाना न्यू कहता तो इलेक्शन तो लड़न खातर आ रहा है जात आया है मखा इलेक्शन लड़ता तो मैं चंडीगढ़ के दौरे लड़ ले पंचकूले तो लड़ लेता मैं आड़े तो यो ये काम में उड़ा करूंगा तो उड़ा तो मोटे रुपया भी है रुपया भी गणे देंगे तार तो मेरे गाँव में तो ओ बस भी जान लग है मेरा तो गांव इतना पिछड़ा बड़ा गांव था मेन रोड तो अटके गांव है मगर तार पर तो इतना ब्योत भी नहीं मैं थर त फालतू तो चंदा भी उड़ा होगा जब इलेक्शन लड़ना हो तो थार तो फालतू पैसा होगा और धंधा भी बढ़िया चल लगा मेरा मैं उन्हें छोड़ के थारे गांव में न्यू कौन आया पर चलो कोई बात नहीं आप दो हजार उन्नीस के इलेक्शन पाछे कर लेंगे और फिर मैंने एक गांव चूज कर लिया नहीं उन महेंद्रगढ़ साइड का फिर उड़े काम करा बड़े लेवल पे हम पहुंच गए गांव वाले तैयार भी हो गए सारे बालक का पता भी लग गया तो दो मार्च में कार्यक्रम करा दो हज़ार उन्नीस में हमने जिसमें हम सेकंड लेवल पे पहुंच गए थे सारे सरकारी स्कूल के बालक का टैलेंट हमने पता लग गया हमने कहा अभी दो महीनों में हम गाँव के स्कूल में इस हाल कर देंगे हर बच्चे को हम उस लाइन पर ले जाओगे जिस लाइन का वो बालक है और दो मार्च ने करा था बीस मार्च ने लॉकडाउन लाग गया बाईस मार्च ने लॉकडाउन लाग के उसके बाद फिर वो सारा चौपट हो गया फिर लॉकडाउन ने तड़वान खतर लड़न गए किसान आंदोलन में बैठ गए टिकरी बॉर्डर पर मेरा परमानेंट ठिकाना था फिर हम गामा गामा जाके सारे कानून समझाते कि भाई यह कानून में या लाइन लिख रही है किसान तो न्यू सोचा करता कि यह कानून किसानों के लिए हैं उन कानूनों में जो कोटे थे राशन लिया करता ना उसकी बर्बादी की लाइन भी लिख रही थी और जो नौकरी करा करता उसकी बर्बादी की लाइन भी लिख रही थी और जो दुकानदार था उसकी भी तो हम गांव में समझाया करते एक भाई थारक सिर्फ किसान किसान का रोड़ा ना है यह तो सारी तबके बर्बाद होंगे पूरा समाज बर्बाद करने की सलाह चल रही है तारक समझ में कौन आ रहा तो तम किसान की गेद लाग लो और किसान तम नहीं समझाया करते एक भाई जो दूसरे तबके बर्बाद होने लाग रहे तम उसकी भी आवाज लाग जाओ क्योंकि जब मेरी ब, मेरे दर्द हो रहा है मेरी आवाज में खुद ठाऊंगा तो मेरी फरियाद कोई नहीं सुना पर जब मेरी बात को दूसरा आदमी कहेगा तो वह मजबूती से दरी जाओगी। तो किसान की बात करने करने लगेगा लगेगा जब दुकानदार दुकानदार और दुकांदार की बात करन किसान तो कर मजबूती आओगी तो इसमें फिर हमने लोग इकट्ठे करने स्टार्ट करे लोग जान दे लोग तो समझ न्यू न्यू है लोग का किसी का समझ मानता आता किसी का नहीं आनता अपने देश के साथ कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं बाप आप देखो आपके गांव में कितने परसेंट लोगों की जमीन बैंका में कर्जे खातर गिर भी पड़ी है निन्यानवे परसेंट निन्यानवे सो, सो मन जान की बोल दिया एक दो बच रहे हो सो बोल रहे नहीं सो के सो की हूं तो लेकिन असलियत में मतलब सभ्य की और क्यों कर पड़ी है तीस लाख का किला है लेकिन एक लाख दे क्या बैंक ने उससे पे गिरवी दर रखा हो मतलब न्यू नहीं है तीस के तीस दे रखे हो लोन पे अच्छा किसान है सबते गांव में कितने किसान है जिनका पास अपना बीज है जो बाजार से बीज ना लानता हो एक भी नहीं मान लो एक बार बाजार में जहरीला बीज आ गया तो अनाज भी जहरी ला होगा जून खाओगा वो जाओगा क्या बीमार होगा क्या मरेगा क्यों जी मानते हो गए भाई गलती तो किसे में भी हो सके आ क्या किसा भी आज के कहने का मतलब अच्छा गांव में कितने जोटेर कितने खागड़ हैं है? खगड़ जो गांव छोड़ा करता वो है नहीं फिर आप बता दो नहीं आपको पता नहीं रहे मगर कहने का तात्पर्य आपका क्या है कौन सा मकसद है दो तीन महीना है बात हो गई इतना लंबा टाइम तो जी किसी को देखो जी देखो एक चीज आप समझ लो मैं अपनी जिंदगी के रुको डट जाता हूं डट जा मैं अपनी जिंदगी के 20 साल काट के आया हूं कि 20 साल केवल समझाऊंगा जब तारप दो घंटे भी ना हो तो अपन कोई टेंशन नहीं जब तारा काम कोई बिगड़ता हो तो अपना काम संभाल लियो ता वो मारे खातर की कत्ती जरूरत नहीं कत्ती जरूरत नहीं ठीक से यह बात ना एक द, ना तो दस मिनट में समझाई जाऊं ना एक घंटा में समझाया जाओ ना दो घंटे में तीन दिन लाग हमने नया कोई मानस हो ना तीन दिन की ट्रेनिंग लिया अगर तीन दिन में जाके समझ मान लग गए शुरू हो गए ये जो दस दस मिनट के भाषण है ना ये बकान खातर तो आ सके हैं समझान खातर को ना बने बात समझान खातर तो सारी चीज जोड़ के दिखानी पड़ेगी और जब आप जोड़ के नहीं दिखाओगे तो समझ में कौन आवे जी और मैं तो जोड़ के दिखाऊंगा चाहे चार मानस बैठे हो और चाहे दो मानस बैठे हो मनना कोई फर्क नहीं बैठता चाहे चार सौ बैठे हो अपना इस बात से नहीं फर्क पड़ता जी मेरा मिशन है आपको समझाना बौकाना नहीं है मन्ना अपना पाछे कौन लाने ना मन्ना आपके गांव पर तो कुछ चाहिए ना मेरे कुछ मैं लेना आड़त है गांव पर तय ना मेरा कोई इस टाइप का मकसद मेरा मकसद यो है के तारे बालक हैं तो तम बचा सको ईब चुप कर बचा सको वह बात पहले न्यू तो मानने पड़ेगा गलत हो रहा है और गलत कित कित हो रहा है वो मानोगे जब तो ठीक करोगे जब न्यू नहीं गलत के हो रहा है ताऊ न्यू बोला मैं बोला भाई तमी ही ताऊ अपने खेता में जहर गिर गया अपने बालकन खुआन लाग लागरे नो बोला ना भाई छोरे आम नहीं गेरा दे जहर अपना खान के मैं पांच किले हैं एक में तो कत्ती कु का गेरा हाँ खान का डंगरा डंग उसमें और चार किला में गिरा रहा छकमा मो चार किला कर बोले वो तो बाजार में जाओ बेचण का मैं ठीक बात मैं का तो नहीं दा। बला ना ना खुआ बोला नाना उसमें तो खुआ बाड़क मारने ठीक बात ये मैं समझ में आया वहां कोई बात नहीं अजीत कति उड़े बैठे बैठे का पोता बढ़िया मैं चाह पिन ला था जुगर प्रोग्राम के बाद चले जा घर और उसका तो उसका पोता आया उन्हें करे नमस्ते कर चाचा के उन्हें नमस्ते करे और वो उसका पोता हाथ में ले रहा ब्रेड का पैकेट मैं उसकी बोला माता तो बता दे यू ब्रेड का पैकेट उन चार किले आड़ा में था उसे एक आड़े में था <laughs> <laughs> क्योंकि जो आपकी दुकान पर खाण का सामान आवा है उन चार किल्या में था आवा है जितना बिस्कुट बने जितनी नमकीन बने जितना ब्रेड बने जितने जो कुछ भी बने जो भी खान का सामान है ट्रम से आपका खावे उन चार किल्या का खावा कौन आता समझ में जब आपने न्यू बेरा ला गया के जो आजकल की बीमारी है ये खान पान की वजह से है फिर मारे दिदे फूट रहे को खान पान ठीक कौन आंदा क्या था कौन करा फिर आज थी ठीक खान पान क्योंकि पूरी बात कौन समझाई किसी ने न्यू तो समझा दिया खान पान कुसा खान पान जो खराब है आपका नाश आपके हाथा करवाया जा रहा और आपने पता भी नहीं क्यों कर आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाने खातर कह के? के गई घर हां कह उसने वह कूण है, है। मारिए तो बाण बेटी बुआ है क्यों जी परस में बैठे हुए ताश खेल रहे बुढ़े आगे डंडे मारणिया पुलिस आला मारा है तो बेटा भाई है क्यों जी ये जो इंजेक्शन लाण का फरमान जारी करा था यो मास्क लाण का जो जुर्माना जुर्माना जो लागू करा था यो कौन था कहिया मारे बीच में तो गया उड़मानस है कोई ना स्कूल में मास्टर जी नह देख बालक ने पढ़न कौन देंगे हाजरी कौन लागर पेपर नहीं दे पाओगा वो मास्टर जी कौन है वो महाराज तो भाई भतीजा है जो पेस्टिसाइड जो अपन कहा खाना पीना खराब हो गया जो दुकान में आपके बड़ा खान ने कबाड़ देने लाग रहा दुकानदार जो आपका पड़ोसी वो भी तो आप भतीजा है वो जो वो जो बनावे है बनावा वो भी तो आपे के परिवार का है वो जो पेस्टिसाइड कर दवाई और यूरिया जो बेचन लाग रहा है अड्डे पे या और जो दवाइया की फैक्ट्री खोला जो दुकान

क्यों में रह रहा होगा तो बात न्यारी है नहीं मेरे जी, जो जीटी रोड की बेल्ट है ना उस जीटी रोड की बेल्ट का हिसाब ला के देखो ना तो रह रहा खेत का बीज किसान दो रहा है, ना रहा जी, डांगरा का बीज गांव दो रहा है, और ना रह रहा मनसा का बीज सत्तर परसेंट नौजवान बाकी नमकीन का पैकेट ठाइयो जो सा दुकान पर दिखाया तो करा उस नमकीन के पैकेट के पछले कहन लिख रहा है कि इसमें बनोड़े का तेल यूज हो रहा है उसमें लिख रहा है और वो बनोड़े का तेल जेनेटिकली मॉडिफाइड है जीएमओ कौन बताना आया जीएमओ के बारे में एक जीएमओ जून भी खावेगा नपुंसक होगा और बांझ होगा किसेने बताई यानी अपने बड़का है अपने हाथात है अपन नपुंसक बनाने रहे अपन बेरा ही को नहीं इसका समाधान तो करना पड़ेगा जब बात का बेरा लाग जा होगा तो दुकानदार भी शामिल करना पड़ेगा इस चर्चा में बेचन लाग रहा है और वो माँ बाप भी शामिल करने पड़ेंगे जो खरीदन लाग रहे हैं आज आप देखोगे जंगलात जंगल होया करता जंगल काट दिए डांगरान चरण की जंगा नहीं बची मारे पास बार घूम का तड़केगा रास्ता बंद कर दिया इवा हमने गरम लेटरिंग खोल दी खड्डे खोद दिए फिर लेटरिंगा का नाली बार नाली में खोल दी उसकी पाइप और सारा गु कित होगा जोड़ में जोड़ में पीने का पानी नहीं बचा तो डांगर रखने मुश्किल हो गए पैकेट का पीना आसान हो गया पैकेट में किसा किसा आवा है आप धार तो काटा ना और मान लो किसे डांगर का थन खराब हो रहा हो उस थन ने छोड़ दिया रहा। और कटड़े बिन नहीं चुगड़ दे कटड़ा कटड़न भी उसने छोड़ दे दिया ठीक हो जाओ जब देखागे जो बड्डी बड्डी डेयरी है ना उड़े मानस धार ना काट दे उड़ा तो ठंड में मशीन ला दे ठीक है और वह नौकर हैं वह किसान नहीं है जो उड़ा काम कर रहे हैं कितने डांगरा तो, तो, तो कोई मतलब नहीं वह में ला दिए इब किसी का राद हो डांगर का किसी का पस हो रहा किसी का बीमारी हो रही हो किसी का लव लकट रहे हो सारा लव मेरी बेटी में सारा नचोड़ उड़ा वो सारा मारती पैकेट पैकेटाम बंद करके पावा मतलब चाहे खान का हो चाहे पीण का हो पैकेट का जितना सामान सारा मारे बालक की बर्बादी जावे बालक वो बर्बादी, किसान का जब से खेत के अंदर ट्रैक्टर आया है तब से किसान कर्जदार होना शुरू होया है बैंक मैनेजर गांव में जब पहली बार आया था ना आपके घर में जब पहली बार आया था तो मजा याद है मेरे दादा तीन कह था बैंक मैनेजर हाथ जोड़ गए बोला ताऊ इब के जो फसल के पैसे हैं वो बैंक में जमा करा दिया आप पहले आटती तो रह लेन देन न्यू रख दे लेकिन बैंक में जमा करा बोला इब क्या जब चोरी करवानी थी ना सरकार ने जब बैंका में पीछे डलवाने थे तो चोरी करवाई आपके बेरा को नहीं जितने चोर थे वह अचानक गायब कैसे हो जाते हैं जो कर चोटी आड़े आए कच्छे आड़े आए वो पाड़ देन आड़े आए वह एक बार आवे फिर गायब हो क्यों कर मैंने दो तीन बार जेल में जाने का मौका मिला उड़े ई मास काले मसले में भी तीन दिन रह गया मैं उसका तो पहले भी मैं रह करा, जेल में चोर मिले मने जय भी मिला मैं तो रिसर्च करता रहा करूं चोर न्यू बोला जी मेरे तीन नू लगा बलारा जी सबसे बढ़िया धंधा है चोरी अगर क्राइम करा तो सब तो बढ़िया क्राइम है चोरी क्योंकि अदालत जो है वो न्याय नहीं करती अदालत देवे फैसले और वो फैसले देती है सबूत के आधार पे और चोरी का सबूत केवल तब है जब आप चोरी का माल बरामद कर लो और जैसे अर्जे सेटिंग हो तो दस लाख की चोरी करो चार लाख एस एच ओ के मुह मारो छह लाख बरी हुए पाछा दो महीना में बरात जमानत पाए आए ठाट तक काटो <laughs> वो बरामद करता ही नहीं ऐसे जरूरत नहीं आईओ गैल सेटिंग कर लो बस जो भी आईओ है इतना बढ़िया काम है कति सारी उम्र सजा हो सकती कोई एक आधा रड़क रहा हो किसी पुलिस आड़े का तो बात नहीं आ रही है नहीं तो सजा नहीं हो सकती चोरी के केस में किसी का सजा नहीं हो है। आज तक नहीं होली किसी चोर ने यो यो काम कौन करे मैं चोर मैं आपको एक बात बता दूं अगर आपके गांव के अंदर नशे का कारोबार चालू है ना बिना पुलिस की भगत के संभव नहीं है बिना आपके लोकल एमएलए और एमपी की शामिल होए के संभव ही नहीं है गुंडागर्दी अगर कोई कर रहा है बिना उनके शामिल हो संभव ही नहीं है हम लोग चुप हो जाते हैं हमने पता ही नहीं हमने के गया है अगर फलाने का छोरा तो नशा करने लाग गया अपन न्यू भूल गए कि जब इस गांव में वो नशा नहीं था तो वो छोरा बच रहा था जब वो छोरा कर लाग गया तो काल ना यो नशा पड़ोस में भी आओगे और परसों यो नशा हमारा घर में भी आ सोच के दो हजार सोलह में मैंने अपना सेंटर बंद करा था कि मैं अपने बालक ने रुपया का ढेर तो दे दूंगा पर जब उसने बरतना ही नहीं सखाऊंगा और सारा ही समाज अगर नशेड़िया कर गुंडा कर बदमाशा कर पिस्तौला गया होगा तो मैं अपने छोरे ने ही बचा लूंगा ये बाप के हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके हाथ में मोबाइल सरकार ने पकड़ाया आपने बेरा अक मोबाइल तो ना सोन लाग रहा बड़का का इनकी मां ने बेरा ना सोन लाग रहा इनके मास्टर ने बेरा ना सोन लाग रहा सरकार पर इतने बड़े रिसर्च करने बेरा वे तो इसके ऊपर चालीस साल पहले रिसर्च कर चुके कि जिसका हाथ में मोबाइल पकड़ाया उसका नाश तय है जिसने कर्जे पे पैसा लिया उसका नाश तय है यो जो नकली नोट आपती पकड़ा रखे हैं जिसका घर में कट्ठा करने का चस्का पड़ गया उससे का परिवार टूटना तय है बेरा है उन्हें आप देख लो जिस जिसने कट्ठा का लालच आया उसे का परिवार भी टूटा और उसके बालक का नाश भी हो ये पैसा है ही नहीं ये दरिद्र नारायण है और जो मोबाइल था वो सरकार ने पता है कि जो बालक ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेगा बड़ा होगा वो नशेड़ी बनेगा कति सौ परसेंट अब आपका मोबाइल कदे चलाते हो आपके मोबाइल पर बना आपकी मर्जी के गंदी गंदी वीडियो लाग जाऊंगी आवे ना बना खर्चे के आपके मोबाइल पे वीडियो आन लाग अब आप के बैठा के तो आपने गुना तो तो। बेरा है के देख रहा हो के कर रहा है तो चाहे छोड़ा हो चाहे छोड़ी हो मारे बड़का के आगे इतना, इतना इतना गंदगी परोसेंगे तो जी आप बड्डे हो गए समाज के लिए करेंगे मेरे ख्याल मन बताने की जरूरत नहीं हमारे को साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली तोड़ा इन लोगों ने हमारे पुरखे न्यू कहा करते किसे पे भी फरी में नहीं लेना और जब कोई दे दे तो बदले मुस्ती कुछ दिया कर दे दिया कर दे नहीं जी किसी का बासण में कोई मैं मांग लिया आप जब किसी कोई सब्जी देगा हलवा देगा बना रखा था तो उल्टा जब दिया कर दे तो कमे कमे घाल के दिया कर दे आप या कोई किसी गए उड़ने के मैं दे दिया था वो दुस्ती पक्का दिया कदे भी फरीका नहीं रखा लेकिन मैंने आज से 25 साल पहले एक गांव की मैं कुण से गांव का जिक्र नहीं करता उस गांव के लंबरदार जिसके सोसो किले थे उनकी लोगाई कटोरा ठाकर आंगनबाड़ी गांधी देखी मंगते ही डाल है मतलब मंगते बना दिया ना मंगते मतलब इसे कर दिया कि इन दो है अपनी औलाद तक खुवाण का भी रप, अनाज नहीं है इन तो इन न तो ना सूर है खुआण का ना इन बेराहर ना इन पे खुआण का ब्योता है इसी फीलिंग भाई तड़का कटोरा ठा के चल लांगे तो, तो न्यू चल ना कि ले का होंगे कमे ना कमे लेन वाला आदमी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता और जिसका तड़के देगा सांझ तई बालक पैदा होगा छोरी के खाते में न्यू डाल देंगे बड्डा होगा उसके न्यू डाल देंगे फिर विधवा होगी उसके दिन दे, डाल देंगे बुढ़ा होगा उसके पिलसन दे देंगे अच्छा न्यू बताओ आपने जो अपने बालक पाले थे न्यू पाले थे कि वह जो बड्डे होंगे तो बेचांगे या न्यू पाले थे कि वह रुपये कमा कमा दिया करेंगे माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पालता है क्योंकि उसका धर्म है उसको पालना और बच्चे अपने माँ बाप की सेवा जब वो बुढ़ापा हो जाता है इसलिए सेवा करते हैं उनका धर्म है पिल्सण तक कोई सेवा कौन करता जिनके घर में पिल्सणा के रोड़े हैं उनके घर में तो सेवा भी कौन होंगी और जिनके घर में सेवा और का जिक्र नहीं होता क्यों जी लेकिन सरकार ने ऐसा प्रचारित किया कि जात सेवा करें क्यों जी सरकार ने जब आपको जबरदस्ती पकड़ा जब ये इस कोरोना वाले टाइम पे आपके साथ जो जबरदस्ती करी वह क्या के नाम पे करी राशन नहीं मिलेगा कोटे तय बस में नहीं जा पाओगे पेपर नहीं दे पाओगे हाजरी नहीं लागेगी है कितने भी नहीं जान पाओगे बैंक का काम नहीं हो सचिवालय का काम नहीं हो है, और जितने भी काम है कुछ नहीं हो है. है, दुण 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 मतलब यो है आपको पेट के साथ काबू करना इन्होंने अब आप ये सोचो आज गांव के पास अपना क्या है गांव के पास पंचायती जमीन होया करती जंगल होया करते जोड़ होया करते कुएं होया करते स्कूल होया करता अस्पताल होया करता आपकी जानकारी के लिए बता दूं सरपंच साहब यहां बैठे हुए हैं आपके मौजूदा आज के टाइम वो जमीन पंचायत के नाम नहीं है सरकार अपने नाम कर चुकी है और अगली जानकारी के लिए बता दूं कि पांच या छह हजार स्कूलों को ठेके पे देने का फरमान जारी कर दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने क्योंकि वहां ये जमीने पहले ले ले चुके हैं वो आडे इबे चुपचाप ले लिए हैं इब अनाउंसमेंट ना करी है तो तो ठीक से तो अब आपके स्कूल जो आपने बनाए थे ये जो जमीन थी ना इसकी जमीन थी जो आपके स्कूल की या जमीन या तो गांव ने कट्ठे होकर दे रखी है किसी ने आधा किला किसी ने डाबड़ा किसी ने जिसकी डेरी थी उसके हिसाब से या वो गांव की कट्टी जमीन थी ना उससे में तो स्कूल बन रहे हैं वह गांव ने छोड़ रखी थी जमीन वह गांव की जमीन थी आपकी पूरे गांव की वह जमीन सरकार लेकर गाय अब उसमें प्राइवेट कंपनियां आने वाली हैं प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी आपका बच्चा पूजने लाग रहा है काल ने जब जी करेगा मैं तो अपने सरकारी में पढ़ाऊंगा तो सरकार वहां प्राइवेट को नियम चालू करेगी संस्कृति मॉडल विद्यालय निकाल के और चालू कर दिया उन्होंने अपने को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि वापस अपने गांव में हमवा जमीन जो कागज है वह जमीन पंचायत के नाम हो है। ये जो आपकी रजिस्ट्री हुई है लाल डोरा तोड़ के पुरखे क्या करते जड़े मानस रवेगा उड़े रजिस्टर उड़े कागज नहीं आना चाहिए क्योंकि जुड़ चीज कागजा में चढ़ गई समझ लो गुलामी आ गई कागज का मतलब ही गुलामी है और यह बात उन लोगों को पता है अगर कानून का हिसाब बताऊं मैं आपको जिस आदमी ने अपनी धोती और अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी वो आदमी इस धरती का मूल मालिक है इसीलिए उन हमारे वर्गे बड़का तो ये सलवार पर आई जिन्हें आप पैंट कमा ताकि ये जो नई पीढ़ी है ना यह अपनी सभ्यता को भूल जाए नई पिड्डी सभ्यता को भूल जाएगी बड़ी पीढ़ी जो है थोड़े दना में चलती बनेगी ठीक है जाली थोड़ी बहुत रह रही खिंड के आले का तो आपने बैठे दिखा है पर ये खिंड के आले दिन के नहीं है जिस दिन खिंड के आले कति साफ हो गए उस दिन इस गांव वो सारा गांव कागजा में आ जाओगे उस दिन और मार का मतलब है गुलामी मैक्सिमम लोगों की हर चीज ट्रैक्टर कार जमीन मकान जो कुछ भी है सब कर्जे पर पड़ा है आज के टाइम पर और किसे का भी कर्जा उतारने का ब्योत नहीं है मैं अपना पहले बता दूं किस्से का भी नहीं है गणा करोगे तो 10 परसेंट आदमी कर्जा चुका सके दस परसेंट तो और किसान पर तो मतलब ही नहीं अब ये प्लानिंग है और ये आपको बताने कोई नहीं आएगा आड़ा मारा जाइयो फुड्डा चुड्डा के किल की कोई आचाओगे बोला पाली बर बड़ोदे पड़ता होगा ठीक है चुनाव से पहले छह महीने पहले बालूते ही मिला था मैं ऑन रिकॉर्ड बोलने लाग रहा रिकॉर्डिंग ऑन लाग रही मनुष्य न्यू कहा मगर तू नौजवान सा बालक दिखा है और तू अपने गाम में एक प्लान चला कि गांव के हर बालक को रोजगार देने वाली शिक्षा गांव में जुगाड़ आदमी का रुपया नहीं लागू गांव वाले का मरा बटान्य डॉक्टर साहब ट्राई मार रहे हैं टिकट मिलने के पूरे चांस हैं और बोला टिकट लेके फिर देखागे मैं तू टिकट लेके कौन कर सकता क्योंकि तू सिस्टम में घुस जाएगा अपन ने गांव का मानस तैयार करना पड़ेगा इस काम खातर अगर जब स्कूल के मास्टर के भरोसे रहोगे एमएलए एमपी के भरोसे रहोगे या किसी और के भरोसे रहोगे तो कौन कर सकते क्योंकि उन्हें क्या ठेका ले रहा क्या जिनके बालक बर्बाद होने लग रहे हम ठाट तक काट रहे। में नहीं कुछ वो तो खाली बैठे मैं तो कुछ और करते नहीं मैं तो में देखे वर्ग आदमी के शर्म घुमड़ा है थारे का, का खातर काम करूंगा मैं क्यों करूं भाई हाँ जाओ हाँ बस हाँ डेढ़ रुपया में तीन चार हजार रुपया में यो नाश जी हमने करवाया है अपने हाथा आप एक बात समझो जी देखो इन मुद्दों पे अगर आपको सच्ची में तो कुछ करना है तो इस पर करनी पड़ेगी ने चर्चा लंबी और नंबर दो एक काम आपा सब तबड़ा कर सका हां अगर जा आपका बात समझ मानती हो कि गांव राम ने समझा की और एक मिशन चालू कर सका जब सबते गांव का कर्जा अगर जनता सरकार मोर्चा पाट दे फिर तो अपने गांव ने बचा सका हा भाई हम किसान दौरे गए ना जब हम हाँ जी सुनो हम किसान के पास गए तो किसान से हमने ये कहा कि तू खेत में ये पेस्टिसाइड गिरना बंद कर दे केमिकल गिरना बंद कर दे तो किसान ने हमारे को यह कहा कि भाई जी पैदावार कम हो जाएगी और मैं तो पहले से कर्जे में हूं मैं क्यों कर करना कम कर दूं तो हमने उसे दो रास्ते बताए मैं कहा देख अपने गांव में खेती पे मीटिंग बुला किसानों को बुलाओ जिस टाइम पे भी जीरी कट गेहूं कटेंगे ना जब आगे आग गेहूं कटे पीछे या तो पहले जो दो ढाई महीने जो खाली पड़ी रहो है ना जमीन अपनी उस दो ढाई महीने में उस जमीन का इलाज करना है वो जो उसमें पोषक तत्वों की जो कमी आपन पेस्टिसाइड से और यूरिया से डालने पड़ करने पड़े ना उसका इलाज उस डाई मिन्ने में, दो महीने में कर सका तो आप अपने गांव में जिस टाइम पे गे चाल उस टाइम गांव में मीटिंग बुला लो पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार इसकी गारंटी मारी पहली बात तो यह अगर आप अपन हमारी बात मानते हो तो अपना खेती करो ना हम उस सलाह का पैसा लेते ना हम कोई सामान बेचना आनते हम न्यू बताओगे खेती में जो गलती हो रही है वो के हो रही है मारे जो पुरखे थे वह कितने समझदार थे वह कर इतनी बढ़िया खेती इतने पूरे जिंदगी करके बिना ट्यूबवेल के बिना इनके ट्यूबवेल भी कौन थे और भूखा को नहीं मरा और छकमा दूध घी पता नहीं मतलब खाण का कोड़ा है कौन था जब उतना ही आज खाना पड़ जाना ऑर्गेनिक जा आज, जा आज खुआ हुआ अपने बालकन डेढ़ लाख तन खाड़ आदमी कौन खुआ सकता जितना ऑर्गेनिक इतना प्योर माल जितना मारे पुरखे खुआ के मारती कुछ रहे तो हमने अभी एक तो अपनी जमीन ठीक नहीं कर लो और दूसरे नंबर पे जय मान लो सारे गांव का कर्जा जय हम ही दिया सारा एक रुपया किसी ने नहीं देना सबते गांव ने हम देंगे जिसका रुपया देना होगा जय एक किस्त भी दे रखी होगी फिर तो कर सको अपने गांव खातर काम फिर तो भाईचारा बैठ सके है क्यों जी डे मैं इसे लोग कौन बुलाने देखो लाल लालच में आके हमारा मकसद यो तो एक टूल है हमारा हाथ में लाग गया सरकारी कागज हमारा हाथ में लाग गया इसे इसे कागज है कि पांच लाख का लोन एक सौ छह रुपया में चुकता कराएंगे गारंटी ठीक से पांच करोड़ का लोन दस हजार रुपया में ग्यारह हजार रुपया में मौज नहीं हो जाओगी सबते गांव का कर्जा पाड़ागे हम और फिर गांव ने गारंटी लेनी पड़ेगी के बाजार का कुछ नहीं लाओगा गांव बैठ के सलाह करो बा... हम गांव में ही पैदा करेंगे सब कुछ देखो, देखो।, देखो। कपड़ा हम अपना का हम ट्रेनिंग दुआ देंगे कपड़ा अपना का अपने गांव में कपास अपनी कपड़ा अपना दूध अपना घी अपना डांगर अपने खान का सामान अपना जो खाना वो अपना घर बनाने का वो ट्रेनिंग दे देंगे जो भी खान का आजाद जी आपके पास रोटी कपड़ा और मकान और मकान का रास्ता भी बदलना पड़ेगा बिजली के ऊपर जो डिपेंडेंसी है यह खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि बिजली काल ने आधार कार्ड के साथ आपके सारे के कागज जोड़ रखे हैं इन एक आधार बंद कर दो आपकी बिजली भी बंद पानी भी बंद गैस भी बंद बैंक भी बंद आपका रुपया भी बंद आपका सारा रास्ता बंद हो जाएगा जिस दिन इन्होंने आधार कार्ड अगली बार बैन कर दिया और आधार कार्ड के साथ जोड़ने के पीछे यही षड्यंत्र है इसलिए हमने क्या सोचा एक काम करते हैं गामा गामा जाओगे गाडी गामा गामा में मैं आ रहा हूं इसकी एक रुपया किस्त नहीं भर दे हम आम। हमने लगभग लगभग पंद्रह गाडी दुआ लिया अपनी टीम के लोग आते भाई गाड़ी तामी ले किस्त ताम दे भर आगे तमाम कुछ नहीं करना कागज में आम देवा धरती त्यार करके आपको यह भी नहीं पता कि जो आपकी जेब में नोट पड़े हैं सारे नकली हैं रिकॉर्डिंग में कह लाग रहा हूं रिकॉर्डिंग में कोई आदमी हुए नहीं बोल सकता आरोप लगा सकता ठीक है ना और हम बैंक लग के देवा हां जैसे मान लो आपने हमने शुरू में टेस्टिंग करी थी ना जो पहली बार टेस्टिंग करी आठ महीने पहले करी जाए तो आज छाती ठोक का कैश काम आपने छह महीने पहले आठ महीने पहले हमने गाडी ली पांच लाख रुपए का लोन करवाया लोन करवा की हमने अगले दिन बैंक रहा आवेदन भेज दिया अपनी चिट्ठी भेज दी हमने बैंक तक क्या एक मिनटो हमने बैंक तक क्या मगाजी हमने तो सुना था कि तम ही मारती रुपये दोगे लेकिन तमने तो मारती रुपये दिए को नहीं लोन में तम तो मारती फर्जी रुपया देने लाग रहे हो अब फर्जी रुपया कैसे मारे में तो न्यू बताइय आठा की आप में से किस किस को यह मालूम है कि जितना रुपया सरकार छापे है उतना सोना अपने दौरा दरिया करे रिजर्व बैंक में बेरा इस बात का सोने के बराबर रुपये छपया करें बेरा होगा जी आठ की बताइयो किस किसने दो तीन चार पांच पांच लोग बेरा है मतलब सोना उड़ा धरेगी सरकार और मारती रुपये देगी छाप के और उस रुपये के ऊपर असलियत में ये जो आपके पास है ये जो बुढे बैठे हैं ना खिंडे इन सारा है ये कदे भी कहा सो का नोट रुपया गया हमेशा अगर दिए दस का नोट सौ का नोट सो की पर्ची क्योंकि यू नोट है इस नोट के ऊपर लिख रखा है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उसने ये लिख रखा है कि मैं धारक को पांच सौ रुपए अदा करने का वचन देता हूं यानी जिस पे भी वो नोट पाओगा वो प्रोमिसरी नोट या पर्ची है जाओ और बैंक में अपने रुपये ले लो रुपया के है हमने बैंक लिया आरटीआई डाली आर एक टीम में तो मेंबर है सत्रह अठारह था, बीस साल की रिसर्च है जब वो कागज हम काट के लिया ना तो उस कागज में लकड़ का आया एक रुपये की कीमत है सात मिलीग्राम सोना आज के, आज के दिन उसकी जो कीमत है या जो नकली नोट गोज में लिया चार हजार नौशे सत्तर रुपया के बराबर बना है आज के टाइम पे यानी लगभग लगभग पांच हजार के यानी पांच हजार रुपया जो कागज और मारा एक रुपया भारत के नागरिक का तो हम बैंक को सिर्फ इतना लिखते हैं कि भाई जब तन्ने मारती लोन दिया था तो तन्ने मारी पूरी वेरिफिकेशन करी थी और तेरी जो वेरिफिकेशन में मैं जब फिट पाया तो तन्ने तनामिर पांच लाख का लोन दिया था ईब मने न्यू डाउट हो गया अर मेरे दो रहे कागज है मैं तेरे दो इस कागज की कॉपी लाके भेजू हूं तू मने न्यू बतायू कागज जूठा है सच्चा है जयू कागज जूठा हो अर यू लागू ना हो तो मेरे पास आजे रुपए ले, ले ले सारे अर जय हो सच्चा हो तो फिर जो तेरे रुपिया की कीमत बना है मेरे असली के 106 रुपए बना है तो पांच लाख का लोन 106 रुपए का चेक मैं देन लग रहा हूं मेरे खाते में त असली भारत का असली रुपया का लिए तेरे आड़े फर्जी रुपये की जरूरत तो नहीं आठ महीने हो गए बैंक का आज तक फोन भी नहीं आ लिया ना पीछे मांग दे मरे बेटे हमने फिर पांच लाख के बाद फिर हमने दस लाख का लोन पांच लाख का तो हमने न्यू कराया था भाई सारे जने ला के पांच लाख तो देने पड़े तो दे देंगे गाडी भी ले रखी है उसमें तो अपना कुछ लगता नहीं दो तीन महीने बैंक का बाट देखा भाई देखा बैंक वाले के कर लेंगे बैंक वाले ने कमें करी ना उन्हें फोन करे ना उन्हें ना मार दो रहा कुछ कराया फिर उन्हें रिकवरी वाले भेजे रिकवरी आल तो हमने कह दिया एफ आई आर हो जाओगी थाने में जाके बैंक वाले से बात कर गाडी का हाथ नहीं ला देगा रिकवरी वाला उल्टा चला गया वो आना बंद हो गया रिकवरी वाले तो ये बाहठ महीने हो गए ना तो कोई रिकवरी वाला आता ना कोई पीछे मांगता फिर दस लाख का कराया फिर अपने पंद्रह लाख का देखा फिर हमने एक करोड़ का देखा छे करोड़ का तो आपके आड़े तेलाख्या नजदीक ते मैं नाम नहीं बताता बता नहीं सकते छह करोड़ का आड़े ते नजदीक का कर रखा फिर एक फैक्ट्री का एक सौ तो साठ करोड़ एक सौ तो अड़सठ करोड़ का ला दिया मगर देखा तो बैंक वाले के, के हैं सांस नहीं आंदा बैंक वाला किसी ने भी इस हार की फैक्ट्री थी वो तो तोड़े दिया उसका ताला तोड़ दिया था और जिन ताले ला रखे थे बैंक का ना जिन, जिन के मकान वो कुड़की करके नारी टीम के आगे जून आवे सबके ताले तोड़ तोड़ उनका कब्जा लाग लागरे ना एक रुपया लेन देगा सरकारी सरकारी सील सरकारी के बैंक किसी लगा सरकारी नहीं है बैंक की बैंक प्राइवेट है बैंक कोई भी बैंक सरकारी नहीं है एसबीआई भी सरकारी नहीं है आरबीआई भी सरकारी नहीं है सारा इंतजाम कर दिया ई मारे पक्का यकीन हो लिया कि ई बापा पूरे देश ने कर्ज मुक्त कर सका तो दो रास्ते हैं या तो गामा गामा जाओ वो जो वकील बैठे जो वह बैठे उनके हिसाब किताब करते रहो थोड़े पीछे उन ते आवेदन बनाने के थोड़े इन ते थोड़ा न्यू करो थोड़ा न्यू करो एक तो रास्ता यो है एक दूसरा रास्ता यो है कि गाम राम तैयार होता हो जाए अपने हर आदमी अपने गांव के लिए देखो मेरा जो मकसद है जी महाराज जनता सरकार मोर्चा का मकसद सुन लो पहले कहीं न्यू को दो छोड़ा आया क्या था, था भाई हमारा मकसद ये है कि जल जंगल जमीन और जानवर जल जंगल जमीन और जानवर इन चार चीजों पर फैसला लेने का अधिकार गांव का होना चाहिए कोई सरकार बीच में नहीं जायज है जी हैं? जल जंगल जमीन और जानवर गांव राम जो जैसा चाहेगा पानी वैसा नहीं तो कंपनी आ लिया है पानी की टूटियां हैं यह पानी आपका टुटिया में खाली बर्बाद इसलिए करा गया था ताकि आपका पक्का यकीन हो जाए कि चोर आप हो वो कहेंगे पानी तो तामी बर्बाद करा कर दे जाए तो पानी कौन बच रहा ईब 15 मिनट पानी में लगा सिर्फ थोड़े दिन में भी कर देंगे और पानी भी जब में लगा जब तीसरी डोज लुवा लो पांच में लुवा लो न्यू भी तो कह देंगे है, है जी तो जोड़ तो जो दीजिए हाँ नंबर दो एक तो ये हो गया जी नंबर दो शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति और खेती इन पांच चीजों पर पैसा नहीं होना चाहिए शिक्षा के लिए मेरे को अपने बच्चे की शिक्षा समाज तय करेगा कि उसको कैसा बच्चा चाहिए किस टाइप के बच्चे चाहिए इनमें पैसा नहीं चलेगा क्योंकि अगर शिक्षा अगर पैसे से खरीदी जा सकेगी तो केवल अमीरों के बच्चे बढ़िया शिक्षा मिलेगी अगर न्याय को खरीदा जा सकेगा तो केवल पैसे वाले को ही न्याय मिलेगा अगर स्वास्थ्य को खरीदा जाने लगा तो केवल अमीरों के बच्चे ही स्वस्थ रहेंगे हमारे बच्चे तो बीमार रहेंगे चौबीस घंटे खेती में भी अगर इंडस्ट्री और पैसा कंपनियां आ गई तो खेती भी तभी ठीक रहेगी जब उन्हीं की रहेगी अमीरों की ठीक रहेगी और राजनीति में भी अगर पैसा हावी रहेगा तो केवल अमीर लोग ही वहां राजनीति करेंगे कंपनियों वाले लोग फिर हमारे जैसे लोगों के लिए कोई पॉलिसी कोई नीति नहीं बननी तो ये तीसरा ये दूसरा हमारा मकसद है ठीक होगा जी हर आदमी के लिए हमारा पर्पज है गांव अपनी चीजें खुद बनाए गांव अपनी ताकत अपने पास रखे और गांव के हिसाब से सरकार चले ना कि सरकार के हिसाब से गांव गांव को मजबूत करने का हमारा मिशन है इस मिशन में जहां ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे जहां आपको आपने लगा कि अरे बच्चे इतने खेलने वाले तैयार हो गए तो हम खेलने वाले जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल के वो आपके गांव के लिए भी दे देंगे भाई एक तो तरीका यो है कि जो बालक खिलाड़ी हैं पैदाइशी उनके माँ बाप उन लेके चले जाओ दिल्ली जाओ बंबई जाओ चंडीगढ़ जाओ और दूसरा लाखों रुपया वेस्ट करो महीने का और दूसरा तरीका यो है कि गांव में तो बेरा ला गया दो पांच सौ बालक खेलनीय है इन पांच सौ माँ बाप पांच सौ माँ बाप मिलकर ने पलेरा अड़े लिया उसे खाने खातर क्यों जी तो इस तरीके के कुछ प्रावधान हैं और इसीलिए पूरे देश को कर्ज मुक्त घोषित करने के लिए हमने करनाल में 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली का एक आह्वान किया है भाई गामा गामा जाके क्यों करांगे तो एक काम कर लो एक सरकार ने चेताण खातर एक गाम राम उठ के ना आए जाओ एक बार देखी जाओगी गांव राम कट्ठा होकर आ जाओ है उड़े तो जो घोषणा करांगे अपना उस घोषणा ने अपने गांव में चालू कर दो मारती अपने गांव के नौजवान बालक है उन्हें देते रहो कि यह बालक है यह त्यार करने है उनकी ट्रेनिंग चलती रहोगी जिसका जिक्र है वो आओ ट्रेनिंग में समझो कहानी ने पहले तो न्यू समझाओगे के षडियंत्र होने लाग रहा है फिर न्यू समझाओगे इसको ठीक कैसे करना है फिर ठीक कर दिया ना जो समस्या होगी वो समझाओगे मारा काम है समझाने का ना इस समझान का आपका रुपया ले ना ही समझान की कोई फीस आप करते रहो महारा जब जरूरत पड़ेगी चंदा मांगांगे देना हो दे दियो ना दियो ना दियो काम रोक देंगे मारे के है नहीं होगा तो पैसा है पैसा कमाना यहां का मकसद नहीं राजनीति करना यहां का मकसद नहीं आप लोगों को राजनीति सिखाना हमारा मकसद है आज तक पोलिटिशियन लोग आए थे वो आपके साथ राजनीति करके गए वहां आपने भका की गए आपने वह क्यों कर भकाने हैं जो हम सिखाओगे अपने गांव की ताकत अपने पास कैसे रखनी है ये बताएंगे और ये बात अभी सरपंच साहब को ये मालूम है सरपंचों ने जो लड़ाई लड़ी थी जो अभी इनके जो ग्रांट और पैसे की जो पावर को कम करने का जो खेल चला था लोगों को लगता है कि यह खेल इनकी पावर को कम करने का था यह इनकी पावर कम करने का नहीं था आपके गांव में बड़े बड़े जोड़ खोदने के लिए और बड़े बड़े काम करने के लिए इसराइल से कंपनियां आने वाली हैं जोड़ों को तालाब और लेक की तरह डेवलप करने का प्लान है इनका वहीं पर अहाता वहीं पर ठेका वहीं पर कमरे वहीं पर व्यभिचार ओडी ओयो के कमरे ओडे लड़का लड़की का व्यभिचार आपके गांव को रंडी खाना बनाने का प्लान है यो निर्मल सरोवर योजना इसका नाम है और सरपंच इस बात में ना रोक दें इसीलिए सरपंचों के खिलाफ ये अभियान चलाया था कि इनको बेईमान साबित कर दो और इनकी पावर छीन लो अभी आने वाले टाइम में इनको ग्रांट भी नहीं मिलने वाली है इनको ग्रांट मिला करेगी टोकन की मदद से कि ये टोकन मिला है ये ये आपको मिला है पैसा नहीं मिलेगा इनको आने वाले टाइम में आपके भी पैसे जीरो होने वाले हैं बैंकों के जीरो सब कुछ उड़ने वाला है आपको भी टोकन मिला करेगा आने वाले वक्त में बहुत भयानक दौर आगे है इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ उन्नीस नवम्बर की रैली में देवागे मेरी आप लोगों से गुजारिश यह है कि गाँव का गाँव उठ कर आवेगा तो आप बच सका हाँ अर्जय न्यू न्यारे नारे पाठ के अगर चलते रहे तो कुछ नहीं बचते आप जी सरपंच साहब अगर आपके सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं अगर उनको बैठ करके अगर चर्चा समझानी हो तो आप उनकी मीटिंग भी ब्लास्को हो उन बता देंगे आप अपने गाम माने क्यों कर समझाओगे आपकी लड़ाई भी उड़ता लड़ाई जाओगी क्योंकि मैंने बेरा है कि आपकी लड़ाई जीतते बिना गाम राम जीत नहीं सकता सरपंच के पास वह पावर आनी पड़ेगी ठीक है सरपंची में बहुत पैसा वेस्ट किया सरपंचों ने लेकिन आने वाले टाइम में हम राजनीति को ऐसा कर देंगे कि जो आदमी पैसा खर्च करेगा वो कदे नहीं बन सकता है ब्लॉक का जो सरपंच एसोसिएशन का तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा जी सरपंचा गेल बैठ के ना एक चर्चा करी जाए जिसमें आपके पूरे गांव के ऊपर बर्बाद करने है उसकी योजना जो सरकार ने बना के रख रखी है पहले से ही मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है वो बर्बाद होने हैं तय है आपने बचाने पड़ेंगे वह जैसे वो योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद कर रहे हैं वैसे आपको योजनाबद्ध तरीके से वो बचाने पड़ेंगे यही एकमात्र रास्ता है ना जी ना उठा नहीं सकते सीबीडीसी आ गया ना जिस दिन डिजिटल करेंसी आ गई चौबीस के चुनाव के बाद डिजिटल करेंसी आना तय है चाहे सरकार में कोई आईओ सरकार चाहे कांग्रेस की बनी हो चाहे राहुल गांधी बनी हो प्रधानमंत्री चाहे मोदी बनियो चाहे ममता बनियो चाहे नीतीश आड कबाड़ लो लंगड़ कुछ बनियो कोई बनियो सर, मतलब सरपंच जो देश का सरपंच है आपने देख लियो उसके बाद डिजिटल करेंसी आई और उसके बाद आप सारे क्लैश क्योंकि ये आपके बहम है के उड्डा बढ़िया है जज्जर के बारह हजार एकड़ जमीन खरीद के, न, ले के न, और धक्के कर लेकिन और रिलायंस को देने वाला यो 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 था धक्के इससे पहले वाले भी कर रहे आडा पांच सौ रुपए लिया कर सांस हवा में सांस लेने का दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दो हजार रुपए लिया कर दूध मतलब आप ये देख लो कि पूरा प्लानिंग है ये सारे के सारे एक तरह से मिले हुए हैं और आपको सब मिलकर लूटने वाले हैं या लूट बचाने का एक ही तरीका है कि गांव का रुपया गांव बाहर ना जावे गांव का असली धन गांव में रवे और गांव के बड़का ने गांव तैयार करे गांव की जरूरत के हिसाब जी? आजकल आप अपने बड़कों को तैयार कर रहे हो कंपनियों का नौकर बनने के लिए या कि न कि किदे प्राइवेट या सरकारी नौकर बनने के लिए आपको अपना बच्चा तैयार करना पड़ेगा अपना गांव बचाने के लिए अपनी संस्कृति बचाने के लिए अपनी सभ्यता बचाने के लिए अगर उसके लिए तैयारी नहीं करी तो आने वाले समय में आप अपनी आंखों से अपने बच्चे को गुलाम देखोगे मतलब मैं तो देख रहा हूं इस भविष्य को अगर आप कह नहीं दिख रहा तो फिर देखो मैं क्या कह सकूं जी मैंने तो साफ दिखन लाग रहा है और मेरी तो लड़ाई यह है कि मैं अपने बालक ने एक आजाद समाज दे पाऊं

जुड़े गए यहां से पूरी टीम के साथ लगे रहोगे सन्नी यहां भी है अभी जो मैनेज कर टीम में वो आपको ग्रुप में जोड़ लेगा और बाकी लोगों को भी हम आपको एक परफॉर्मा दे देंगे बना के वो अपने पास रखो 24 घंटे गाड़ी में कोई फास्टैग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं आप केवल क्या काम करो वो अपने पास भर के रखो उसमें गाडी का नंबर और नीचे कहां से जा कहा हजार कौन सा टोल है और जैसे ही वो आपसे डबल पैसा मांगे उसी टाइम एक पे कॉल करो आपको दस मिनट लगेंगे इस काम में सौ बारह आएगी एक सौ बारह वालों को लिखित कंप्लेंट है पहले से ही उस पर सारे के सारे टोला कलानी स्टार्ट हो जाएगी जब गाम राम जागेगा जबे तो होगा जब मास्क काले मुद्दे पर हम बोले खुल गया लॉकडाउन हमने खुलवा दिया स्कूल हमने खुलवा दिए वैक्सीन बंद करा दी सारा का सारा करवा दिया क्योंकि हमने ये पता था कि अगर आप लोग बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं ये नहीं मानेंगे और बोलोगे तो इनके नीचे की पैरों की जमीन निकल जाएगी तो आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करोगे मारी जमीन धक्के थे लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर धक्के थे तो एक्वायर कर रखी मारे टैक्स के पैसे से रोड बन रहा और फिर मर पे चालन का रप यार क्यों कर लागेगा वो भी और मैंने दो दिन पहले पोस्ट किया है अभी अभी बिहार के अंदर पार्क में एंट्री की फीस चालू हो चुकी है और ये टेस्टिंग के लिए होता है कि जब बिहार में होता है तो हरियाणा का नहीं बोलता इसका मतलब हरियाणा वाले भी तैयार बैठे हैं जब बोलेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे फिर थोड़ा लेट आ जाएगा हरियाणा वाले थोड़ी किलकी ज्यादा मार रहे हैं थोड़े थोड़े आजाद फिर महसूस करते हैं जैसे ही बोलना बंद करेंगे फिर काबू करने आ जाएंगे गाड़ी जब पतला करे धक्के तक ये सारे ऐलान करेंगे उड़त है जितने भी तुगलक की फरमान है हर तुगलक की फरमान को मानने से मना करने के अलावा और कोई रास्ता अपने पास है नहीं और अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद प्रयास करना न्यूनतम नहीं मानी जाएगी और अपने गाम नाम अपने आप बचावांगे यो रास्ता है जी अगर आपका लगता हो ठीक है तो आप पांच सात गामा का भी आप एक मीटिंग कर सका हाँ और फिर दोबारा से आ सकू मैं एक तारीख के बाद एक तारीख तक का शेड्यूल पैकड है एक के बाद आप आसका सका आप आसपास के गामा जगह की इकट्ठे कर लो उसके बाद आड़ा तक गांव के गांव चाल लेंगे तो मैंने लगा है कि कल को एक बहुत बड़ा हम संदेश पूरे देश को दे सकते हैं और 19 नवंबर का तारीख जो है वो आपको परमानेंट याद रखनी पड़ेगी जितना गांव में तो लोग जगह को उत जगा के आप आ जाओ उड़े और फिर बड़ा ऐलान कोई करते हैं तो आप लोग लेट भी थे हम भी लेट थे आपने इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत